हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल टेक राजपूत पे। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं कि इंस्टा जंबो लोन ईएमआई, अगर आपने फर्स्ट ईएमआई या कोई सी भी एक ईएमआई अगर आपने पे नहीं करी टाइम पे, तो उससे क्या होगा, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, शुरू यहीं से करेंगे कि मैं आपको अपना स्टेटमेंट दिखाऊँगा जिसमें कि मैंने अपने पिछले महीने का ईएमआई जो टाइम पे नहीं किया था, तो फरवरी का ईएमआई मैंने टाइम पे नहीं किया था और अभी मार्च का स्टेटमेंट भी जनरेट हो गया है मेरा, 13 तारीख को जनरेट हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेटमेंट डेट 13 मार्च 2020। तो 13 मार्च को जनरेट हुआ है स्टेटमेंट। मैंने फरवरी का भी पे नहीं किया था, मुझे 13 फरवरी को मेरा जनरेट हुआ था स्टेटमेंट, उस समय भी मैंने पे नहीं किया था। अभी मार्च में आ गया फिर से स्टेटमेंट, अब मुझे इसको 2 अप्रैल तक पे करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। जैसा कि आपको पता होगा कि नॉर्मल क्रेडिट कार्ड का जो होता है, नॉर्मल क्रेडिट कार्ड में अगर आप पेमेंट टाइम पे नहीं करते हैं तो उसके 2 डिसएडवांटेज होते हैं। पहला तो, एक तो आपको लेट फाइन देना पड़ता है, ठीक है, उसके बाद उस लेट फाइन का आपको GST भी देना पड़ता है, उसके बाद साथ ही साथ आपको फाइनेंस चार्जेस देने पड़ते हैं। फाइनेंस चार्जेस में क्या होता है कि आपका जितना भी अमाउंट आपने पेमेंट नहीं किया है उसके ऊपर आपका इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। तो ये तो था नॉर्मल क्रेडिट कार्ड के बिल का सिनारियो। अब आते हैं इंस्टा जंबो लोन के सिनारियो पे, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि पास्ट ड्यू इफ एनी में लिखा हुआ है वन मंथ का मैंने पास्ट ड्यू है मेरा वो था 10,362 रुपये का, ठीक है। करंट ड्यू है मेरा 6,014 रुपये का। चलिए आपको मैं नीचे ले चलता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये कुछ ऐसा है, पिछले महीने अगर मैंने पेमेंट नहीं किया तो उसका मुझे लेट फाइन देना पड़ रहा है 500 रुपीज़, और साथ ही साथ 90 रुपये मुझे देने पड़ रहे हैं इस लेट फाइन का GST देना पड़ रहा है। तो 18% के हिसाब से 18×5=90, तो ये आपके 90 रुपये देने पड़ रहे हैं। और जो इस महीने का बना वो मेरा इतना बना, ये 2 EMI है और ये 2 उनका इंटरेस्ट चार्ज है, तो इस महीने का टोटल बना मेरा 2,000 4,000 और ये लगा लो आप 5,000, तो इतने लग गए, ये 6,014 रुपये हो गए आपके, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि अगर आपने पेमेंट नहीं किया टाइम पे तो आपको फाइनेंस चार्जेज नहीं देने पड़ते, सिर्फ आपको लेट फी और लेट फी का GST देना पड़ता है, जो कि नॉर्मल केसेस में आपको फाइनेंस चार्जेज और लेट फी दोनों देने पड़ते हैं। तो एक तो इसका बेनिफिट हो गया यहाँ पे कि इसमें फाइनेंस चार्जेज नहीं देने पड़ते, जैसा कि आपको देख रहे हो फाइनेंस चार्जेज 0 हैं। लेकिन जो दूसरा इसका डिसएडवांटेज होता है थोड़ा, कि ये जो आप लेट फी आपको हर सिनारियो में देना पड़ेगा, मतलब कैसे देना पड़ेगा लेट फी, अगर सपोज मेरा पिछली बार जनरेट हुआ था बिल 10,000 के आसपास हुआ था, कितना हुआ था देखो यहाँ पे 10,362 रुपये हुए थे। अब देखो जो क्रेडिट कार्ड का सिनारियो होता है उसमें क्या होता है कि आपके कुछ अमाउंट जो होते हैं मिनिमम अमाउंट होते हैं, मतलब वो बहुत कम आता है, जैसे आपका 10,000 बना तो उसके 1,000-2,000 रुपये आएंगे, तो बंदा क्या करता है मिनिमम पेमेंट तो अपना कर देता है, तो उससे क्या होता है उसका लेट फाइन सेव हो जाता है, फिर बस फाइनेंस चार्ज देने पड़ते हैं उस केस में उसको। लेकिन इंस्टा जंबो लोन में क्या होता है कि जो फुल अमाउंट होती है वही आपका मिनिमम पेमेंट अमाउंट होता है। जैसे कि देखो अभी मेरा 10,362 रुपये पिछले महीने के और 6,000 इस महीने के, और मिनिमम अमाउंट भी मेरे 16 ही है और टोटल ड्यू भी इतना ही है, देखो 467 रुपये है टोटल ड्यू और ये 377 रुपये, ठीक है। तो ये जो है जो 100 रुपये आई थिंक 90 रुपये जो बच रहे हैं वो बस GST वाले बच रहे हैं, वरना जो मिनिमम अमाउंट होता है वही टोटल अमाउंट होता है इंस्टा जंबो लोन के केस में। बाकी क्रेडिट कार्ड के केस में तो आपका ऐसा होता है कि जो टोटल अमाउंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, मिनिमम अमाउंट थोड़ा कम होता है, वो कुछ परसेंटेज होते हैं उसके। तो उसमें क्या होता है बंदा मिनिमम अमाउंट तो पे कर लेता है कैसे भी करके, तो लेट फी अपना बचा लेता है बंदा, लेकिन फाइनेंस चार्ज नहीं बचा पाता। इसके केस में क्या है कि आपका मिनिमम और टोटल दोनों सेम हो जाता है तो बंदा पे ही नहीं कर पाता, तो उस केस में क्या होता है इसको सिर्फ लेट फी देना पड़ता है। तो ऐसा सिनारियो है दोस्तों। तो अगर आपको पहले आप सोच रहे हो कि अगर मैंने एक महीने का पे नहीं किया तो मुझे क्या होगा, तो यही होगा आपका 500 रुपये ही, जनरली 500 फिक्स है, 500 रुपये ही लेट फाइन लगते हैं और उसका GST भी 18%, तो वो भी फिक्स ही है, तो 590 रुपये ही आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, चाहे आपका EMI 1,000 क्यों ना हो, जो भी समझ लो आप, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ इसमें क्या है कि इतनी इजीली आपको ये नहीं रहने देंगे, जैसे कि आपका एक महीने अगर आपने जैसे ही आपका ड्यू डेट निकला ना वैसे ही आपको कॉल फ़ोन, मतलब वो बहुत फ़ोन करेंगे, परेशान कर देंगे आपको, ठीक है। आप सोचो यार भर ही देते हैं, ख़त्म करो कैसे भी करके, किसी से लेके ही भर देते हैं,
ठीक है। तो मेरे केस में तो क्या हुआ कि पहले भी मैंने एक बार ऐसी नहीं कर पाया था मैं, तो वो कॉल कर रहे थे मुझे, तो उस समय फिर मैंने काफ़ी कॉल किया उन्होंने मुझे, फिर मैंने बाद में पेमेंट कर दिया उसका। तो बेसिकली धीरे धीरे क्या है, कस्टमर का बन जाता है कि हाँ ये बंदा पेमेंट कर देता है तो इसको ज़्यादा फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, तो वैसे होता। तो अब इस बार इन्होंने मुझे कोई भी फ़ोन नहीं किया है। तो ये सिनारियो है दोस्तों, मैंने आपको बता दिया कि जंबो लोन का EMI अगर आप पेमेंट टाइम पर नहीं करते हो तो क्या होगा। और दूसरी बात मैं आपको यही बताता हूँ कि मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा कि आप इसको पेमेंट ना करो, पेमेंट करो, बिल्कुल पेमेंट करो। एक चीज़ और मैं बताता हूँ आपको कि ऐसा नहीं है कि अगर आपने 1 महीने इसका लेट पेमेंट किया तो ये आपका सिविल स्कोर ख़राब हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपना सिविल स्कोर रेगुलरली चेक करता हूँ, और उस पर्टिकुलर इस केस, जैसे कि हर एक कार्ड का, जो भी आपका कार्ड होता है, जैसे मेरा ये जंबो लोन है, तो इस पर्टिकुलर कार्ड का भी बैंक क्या करता है कि रिपोर्ट करता है कि इसने लेट किया है या नहीं किया है। तो मैंने जहाँ तक ऑब्जर्व किया है, ये 1-2 महीने अगर आप लेट करते हो तो ये इसके लिए रिपोर्ट नहीं करते, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आई थिंक देते हैं ये। तो मैं तो रेगुलरली चेक करता हूँ अपना कार्ड, इन्होंने कभी रिपोर्ट नहीं किया है। तो ऐसा नहीं है कि ये मतलब रिपोर्ट नहीं कर रहे तो हमें मतलब कुछ भी करना चाहिए, ऐसा नहीं है। मैं दे नहीं पाया किसी कारणवश, इसलिए नहीं दे पाया, वरना मैं प्रॉपर बिल पे कर देता हूँ। आपको भी बिल पे करना चाहिए, ये जस्ट एज ए इन्फॉर्मेशन था कि अगर आप मान लो ना कर पाए किसी कारणवश तो क्या होगा, तो वो मैंने आपको बता दिया। दूसरी बात ये दोस्तों कि जैसे ये लोन अमाउंट देख रहे हो, ये लोन अमाउंट देखो दोस्तों क्या होता है, जब फर्स्ट टाइम आप जंबो लोन लेते हो उस समय जितने अमाउंट का आपने लोन लिया है वही अमाउंट यहाँ पे प्रिंटेड आता है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आपने 1 लाख का लोन लिया था, उस समय उसके बाद आपने वो भर के ख़त्म कर दिया, आपने फिर 10 हज़ार का ही लिया, तो यहाँ पे आप सोचो ये 10 हज़ार आना चाहिए, ऐसा नहीं है। वो फर्स्ट टाइम ये मतलब इनका थोड़ा सीन अलग है, ये उसको मतलब अच्छे से रिफ्रेश नहीं कर रही है, जो भी समझ लो ये सिस्टम का अपना है वो रखा है। 10 ईयर 24 मंथ जो आपने फर्स्ट, इसका कहने का मतलब जो आपने फर्स्ट टाइम जब इंस्टा जंबो लोन लिया था उसका अमाउंट यहाँ पे छपता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और अगर आपको कुछ सजेशन भी देना चाहते हैं तो वो भी कमेंट में लिख सकते हैं। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।